गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर का पार्ट टू लेके फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बनाया था? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आप देख सकते हैं एपरेटस, इसमें हम लोग क्या यूज किया था? राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें क्या था? कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने क्या लिया था? सोडियम क्लोराइड। रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिला था? HCl गैस, जिसको हम लोगों ने एक बीकर से पास कराया था, और उस बीकर में क्या था? कंसेंट्रेट H2SO4, और हम जानते हैं H2SO4 इज अ बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, P2O5 को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि ये नया कंपाउंड बना था। और उसके बाद उस गैस जार में लास्ट वाले में क्या कलेक्ट हो रहा था? HCl गैस। हम लोगों ने एक और बात की थी, HCl गैस इज अ हेवियर देन एयर, सो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आराम से गैस जार में क्या होगा, वो कलेक्ट होगा। और हमने एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें ये प्रूव हुआ था कि HCl गैस इज अ हाईली सोल्युबल इन वाटर एंड इट इज अ हेवियर देन एयर। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे HCl एसिड के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये एपरेटस। यू कैन सी दैट दिस इज एपरेटस, और यहां पे क्या है? ये राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हमने क्या लिया है? कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या ऐड किया था? NaCl क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, कैल्सियम। एक्चुअली यू कैन टेक द KCl और यू कैन टेक NaCl। रिएक्शन के बाद इस कोनिकल फ्लास्क में क्या मिला था? इस कोनिकल फ्लास्क में HCl गैस, और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया था? कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो वाटर मॉइस्चर को उससे क्या किया था? एब्जॉर्ब, और उसके बाद ये इस जार में HCl गैस कलेक्ट हुआ था। तो क्या करेंगे इस लास्ट वाले जार में? कुछ अरेंजमेंट करेंगे, इस जार को हटा के हम लोग एक बीकर लगाएंगे जिसमें वाटर होगा, और इनवर्टेड फ्रंट लगा देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वीडियो में, इस क्लिप में, फोटो में देख सकते हैं कि लास्ट अरेंजमेंट में देखें, हमने जो गैस जार को हटा के उसमें एक बीकर लगा दिया है। बीकर में क्या है? वाटर, और उसमें क्या है? इनवर्टेड फनल। क्यों लगाते हैं ये मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं गैस जब आ रहा है बनने के बाद, सेकेंड बीकर से वाटर मोशन एब्जॉर्ब होने के बाद, अगर मैं उस ट्यूब को डायरेक्टली वाटर में डिप कर दूं, डाल दूं, हम जानते हैं HCl क्या है? हाई सोल्यूबल, तो वाटर में वो डिजोल्व होगा। जैसे HCl गैस बन के आएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। और एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज लेस देन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन इन वाटर, मीन्स HCl बनने की स्पीड कम हो जाएगी कंपेयर टू HCl को घुलने की स्पीड इन वाटर। मतलब कि HCl जल्दी जल्दी वाटर में घुल जाएगा, जितना जल्दी से HCl बन नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ट्यूब के अंदर का प्रेशर घट जाएगा, और वाटर क्या होगा, इन अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर इस बाहर बीकर के वाटर पे क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, और वाटर क्या करेगा? ट्यूब के अंदर मूव करेगा और जाके नेक्स्ट बीकर में गिर जाएगा, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए इसके एंड पे हम लोग क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड फनल। एक्चुअली जब इन्वर्टेड फनल लगाते हैं तो क्या होता है, दो काम होता है। इस बैक सक्शन, बैक फ्लो प्रोसेस को रोकता है, बैक फ्लो नहीं होगा, और सेकंड, इट इंक्रीज द
सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे कैसे काम करता है आप देखिए इस वीडियो में। जैसे आप इन्वर्टेड फनल लगाएंगे तो क्या होगा, फनल के अंदर HCl बन जाएगा, जैसे बनेगा वो वाटर में आकर डिजॉल्व हो जाएगा और क्या होगा, बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा और फनल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अंदर गैस कम हो गया। तो क्या होगा, वाटर जैसे ऊपर मूव करेगा ट्यूब फनल के अंदर, एक समय ऐसा आएगा कि अंदर के फनल का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जैसे इक्वल हो जाएगा वाटर क्या होगा, फ्लो बैक फिर चलाएगा नीचे और फनल कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसी के कारण वाटर बैक फ्लो नहीं होगा। फिर से मैं समझाता हूं, जैसे HCl बन के आएगा ट्यूब से, नीचे डिजॉल्व होगा, जैसे डिजॉल्व होगा अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाटर क्या होगा, फनल के अंदर जाना चालू हो जाएगा। जैसे अंदर जाएगा थोड़ा दूर पर, जैसे ऊपर जाएगा उस समय क्या होगा, बाहर की प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम, और पानी क्या होगा, फिर वापस नीचे आके गिर जाएगा और फनल चला जाएगा ऊपर, और ऐसा ही फनल अप डाउन करते रहेगा, जिससे वाटर का बैक फ्लो नहीं होगा और आराम से हमें HCl एसिड मिलेगा आफ्टर डिजॉल्विंग द HCl गैस इन वाटर। अब हम लोग बात करेंगे कैसे बनाते हैं और इसकी सम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इसके यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। हम लोगों ने गैस के बारे में बात कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि मैंने लिया क्या, एसिड HCl, व्हेन HCl इज डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव, इट विल डिसोसिएट, ये टूट जाएगा H प्लस HCl माइनस में, और हम जानते हैं H प्लस आयन कहां मूव करेगा, वाटर के पास, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास क्या है, यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब ये H प्लस आयन किससे मिला है, किससे मिला है, एसिड से, क्योंकि एसिड के पास प्रॉपर्टीज होती है H प्लस आयन देने की जब ये वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट, और ये क्या करेगा, इस पे माइग्रेट कर जाएगा और क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, H 3O, और ये प्लस चार्ज किस पे होगा, हाइड्रोजन पे, ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। सो ये रहा डिसोसिएशन ऑफ HCl एसिड इन वाटर, और वाटर में ही ये डिसोसिएट होगा, जब ये H प्लस आयन देगा तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक H प्लस आयन दे रहा है, मतलब ये क्या है, मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन मिल रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़ ली है कि ये H प्लस आयन देगा जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कराएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये और जो लोग पढ़ चुके हैं, जब मेटल किससे क्या करेगा, एसिड से, तो हमें क्या देगा, सॉल्ट, मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं HCl का तो क्लोराइड सॉल्ट देगा, और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो एग्जांपल में देता हूं, अगर मैंने लिया आयरन Fe, रिएक्ट विथ HCl, वाट फॉर्म क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस,
अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ऐसे बैलेंस लीजिएगा, आप देख सकते हो कि हमें दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, यहां दो रख लीजिए। उसी तरह अगर ZnC रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा, ZnCl2 और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2 गैस। तो मेटल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो अंडरस्टूड की बात है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। दूसरा बात करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये हाइड्रोनियम आयन देगा और ये मोनोबेसिक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं तो आप देख सकते हो, अगर मैंने लिया मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस टू। अब क्लोरीन कितनी है, माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, MgCl2। तो ये तो आप नाइन में पढ़ेंगे कैसे मॉलिक्यूल बनता है। ये क्यों MgCl2 बन रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है क्लोरीन की होती है माइनस वन प्लस H2 गैस। अब यहां पे दो लगा के बैलेंस कर लीजिए। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और हम जानते हैं ये दोनों मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, ये दोनों किस तरह का होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, वैसा ही मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। तो मान लो मैं ले रहा हूं कोई भी मेटल ऑक्साइड में, अगर मैं लेता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, किससे रिएक्ट कर जाएगा, ये HCl से, क्या बोलेगा, MgCl2 प्लस H2O। ये वो वाली रिएक्शन है जैसे आप लोग पढ़े थे ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्लियर है, एसिड कौन सा है, HCl, बेस कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, सॉल्ट, सॉल्ट में क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये है यूनिवर्सल ट्रुथ कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, आप लगा दीजिए। सेम उस तरह अगर मैं दूसरा मेटल ले लूं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड ले लूं और ये क्या रिएक्ट करेगा एसिड से, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2O। तो ये एग्जांपल था किसका, मेटल ऑक्साइड का। अब मैं लेता हूं मेटल हाइड्रोक्साइड का, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने रिएक्ट किया किससे, एसिड से, ये बेस है, ये एसिड है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आप देख लीजिए कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि यहां पे क्लोरीन दो था, बैलेंस कर लीजिए, अब दो हाइड्रोजन चार हो गया और दो ऑक्सीजन, मीन्स दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, वाटर। सिमिलरली अगर जिंक हाइड्रोक्साइड लोगे इसे क्या कर जाएगा, एसिड से, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड एंड प्लस 2H2। सेम वही रिएक्शन होगा आपका, वही रिएक्शन होगा। कॉपर ऑक्साइड में अगर मैं कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो क्या बनेगा, सेम रिएक्शन, HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CuCl2, CuCl2, कॉपर हैज टू वैलेंसी, प्लस वन प्लस टू, क्यूप्रस एंड इज अ क्यूप्रिक बिकॉज इट हैज टू वैलेंसी एंड यू विल गेट द टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और जब बेसिक बेस से
एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में पढ़ने जा रहा हूं, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टीज। वन फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट एमसी, जस्ट मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट, जस्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या बनेगा, सॉल्ट, क्लोरीन से रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैं इसको भी प्रूफ करता हूं, मैंने एसिड कौन सा रूल लिया है, HCl, किससे रिएक्ट किया ये, मान लो मैं लेता हूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एब्रिविएशन में कैसा लिख रहा हूं, आप बैलेंस कर लो, कितना हाइड्रोजन है दो, यहां पे एक है, दो लगाओ, दो क्लोरीन भी हो गया, अब दो सोडियम भी है, यहां पे दो लगा देंगे, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। यानी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाई कार्बोनेट से, क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम मैं वैसे ही रिएक्शन और करता हूं तो क्या होगा, अगर मैंने लिया एक और मेटल कार्बोनेट, एग्जांपल इट इज सोडियम कार्बोनेट, आई टेक सपोज मैं लेता हूं HCl रिएक्ट विद NaHCO3, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम वही बात होगी, क्या बनेगी, NaCl प्लस H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख लीजिए सब इक्वल होगा, सर बैलेंस इक्वेशन एक और एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, बैलेंस वन वन एंड वन, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूं, कैल्सियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होल ट्वाइस, ये कैसे बना, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैसे बनाइए, क्योंकि कैल्सियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस टू, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कैल्सियम एक बाइकार्बोनेट कितना होगा, दो, इसलिए मैंने ये लिखा है। और ये किससे क्या करेगा, HCl से, एसिड से, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये रिएक्शन थे, पहला था इट्स अ मोनोबेसिक एसिड, दूसरा था रिएक्शन विद मेटल, तीसरा क्या था, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड मींस बेस से, और यहां पे क्या था, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से। अब उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रिएक्शन विद नाइट्रेट, रिएक्शन विद नाइट्राइड, रिएक्शन विद रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड माय स्टूडेंट, सल्फाइड, इफ यू टॉक अबाउट सल्फाइड, सल्फाइड एंड सल्फेट क्या अंतर है, सल्फाइड सल्फाइड एंड सल्फेट में, सल्फाइड कुछ नहीं, सल्फर जब किसी चीज से अटैच हो जाता है, मतलब सल्फर में से क्या चार्ज होगा, माइनस टू, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सल्फाइड। SO3 माइनस टू चार्ज, SO4 माइनस टू चार्ज, आप देख सकते हैं दोनों का सेम नंबर ऑफ सेम एटम सेम एलिमेंट्स है, सल्फर भी है ऑक्सीजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, चार, यहां पे कितना है, तीन, चार्ज भी सेम है, तो जिस पे कम होता है ऑक्सीजन उस पे लगाते हैं आइट, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसमें क्या लगाते हैं एट, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड, और ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड।
सो हम लोग क्या करेंगे अभी सल्फाइड से टैग कराएंगे. तो मान लीजिए मैंने ले लिया HCl, और HCl रिएक्ट किया Na2S गैस से सोडियम सल्फाइड से. सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है NaCl, एंड प्लस आपका जो बनेगा वो बनेगा H2S गैस. ये H2S गैस बनेगा, यही इसका है रिएक्शन. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे जाके रहेगा, सोडियम सल्फाइड. सल्फाइड कब करते हैं, जब सल्फर पे दो चार्ज हो. तो यहां पर जाहिर सी बात है सोडियम पे क्या होगा प्लस वन, और सल्फाइड पे क्या होगा माइनस टू. सेम अगर HCl रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड FeS, क्या बनेगा FeCl2 फेरस क्लोराइड, एंड FeCl3 क्या होगा फेरिक, क्योंकि इस पे क्या चार्ज होगा प्लस थ्री, इस पे क्या चार्ज होगा प्लस टू. तो प्लस टू वाले में क्या लगाते हैं अस, तो क्या हो जाएगा फेरस, इसमें क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा फेरिक, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2S गैस. आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, दो लगा दीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बैलेंस. तो ये था रिएक्शन विद सल्फाइड. अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड दूसरा है रिएक्शन विद सल्फाइड. मतलब अगर मैं सल्फाइड लेता हूं HCl गैस, और ये हो गया सोडियम सल्फाइड Na2SO3. मैंने बोला था सल्फाइड का मतलब SO3 माइनस दो चार्ज, क्या बनेगा सेम ये एसिड है इससे रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, एंड यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड. जैसे कार्बोनेट केस में था कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, इसमें क्या निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और इस पे आप लोग रिएक्शन अपना देख सकते हैं फर्दर जब इससे क्या करेगा. अगर सेम में एक और लेकर एग्जांपल HCl रिएक्ट विद सोडियम बाय सल्फाइड, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये था आपका रिएक्शन रिएक्शन विद सल्फाइड रिएक्शन विद सल्फाइड. अब नेक्स्ट है रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन रिएक्शन विद थायोसल्फेट. अभी थायोसल्फेट क्या है, ये एक नया कंपाउंड आपको सुनाई दे रहा होगा थायोसल्फेट. ये थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए मैंने लिया HCl को रिएक्ट कराया थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट. अब ये रिएक्ट कर जाएगा HCl से, तो यहां बनेगा सॉल्ट NaCl, इसका Na इसका Cl NaCl, फिर आपको मिलेगा सल्फेट है तो क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड. वाटर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, क्या मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में सल्फर भी मिलेगा इसमें थायोसल्फेट में. जब HCl रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड, कितना सोडियम है दो, यहाँ पे एक है दो लगा दीजिए, यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, सारी क्वेश्चन बैलेंस हो गया. आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर एंड सल्फेट. तो ये था रिएक्शन में थायोसल्फेट. सो एक रिएक्शन किससे हो गया सल्फाइड से, दूसरा क्या हो गया सल्फाइड से सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट थायोसल्फेट. नाउ अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रेट. रिएक्शन विद नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट थोड़ा वही बात है NO2 भी होता है और NO3 माइनस चार्ज दोनों पे होता है. कम वाले में क्या लगाएंगे हम लोग आइट,
अधिक अनु का लगाएंगे 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया नाइट्रेट, और ये क्या हो गया नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो ये आपका फंडा है। तो इसमें अब नाइट्राइट से रिएक्ट करा रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने लिया AgNO3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AgNO3 रिएक्ट विद HCl, क्या बनेगा AgCl प्लस HNO3, और ये बनेगा वाइट पीपीटी, क्या बनेगा वाइट पीपीटी बनेगा, और ये एक टेस्ट भी है, किसका टेस्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड टेस्ट का, कि जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा वाइट पीपीटी। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी 1, पीबी की 2, रिएक्ट विद HCl क्या बनेगा PbCl2 और बन जाएगा HNO3। तो ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है लेड क्लोराइड, और इसमें क्या होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट को गैप कर सकते हैं, कब जब इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा देंगे, जब AgCl को हम लोग रिएक्ट करा देंगे नाइट्रेट से, तब गैप हो जाएगा, जब AgCl को नाइट्रेट से रिएक्ट करा देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये जो कंपाउंड बना, अगर AgCl फिर से HNO3 से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा कंपाउंड बन जाएगा, और क्या कंपाउंड बनेगा आप देख लीजिए, यहां पे क्या बना, जब AgNO3 किसे रिएक्ट किया HCl से, क्या बन गया AgCl white precipitate, lead nitrate रिएक्ट किया किससे HCl से, क्या बना lead chloride, तो यहां पे दो लगा के बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन मैं फर्दर कैरी करूंगा, अगर AgCl को सिल्वर क्लोराइड को किससे रिएक्ट करूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये वाइट पीपीटी क्या हो जाएगा और बन क्या जाएगा कंपाउंड AgNO3 होल ट्वाइस Cl, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, और ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर गैप हो जाएगा। लेकिन अगर फर्दर अगर मैं इस कंपाउंड में AgNH3 होल ट्वाइस Cl में अगर मैं क्या ऐड कर दूं HNO3 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं HNO3 ऐड कर दूंगा, तो फिर ये व्हाइट कलर, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं MnO2, जब किससे रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम जानते हैं किससे करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे खुद रिड्यूस हो, जो ऑक्सीजन को लेके आए अगले को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये बनेगा MnCl2
मैंगनीज क्लोराइड, और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल, और ये देगा क्लोरीन गैस। और आप देख सकते हो क्लोरीन गैस यहाँ पे इसमें क्या चार्ज है? -1। यहाँ पे क्या चार्ज है? 0। मतलब यहां से 0 से क्या जा रहा है? -1 से क्या जा रहा है? 0 पे। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब कौन कर रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम में मैं एक और कंपाउंड लेता हूं, PbO2। इट रिएक्ट विथ व्हाट? HCl। क्या बनेगा? PbCl2 वाटर मॉलिक्यूल और Cl2 गैस मिलेगा। सेम रिएक्शन होगा, आप बैलेंस कर सकते हैं कितना क्लोरीन है, 2 और 2 4। तो यहाँ पे आपको 4 के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, वाटर बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ KMnO4 का। ये भी क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, रिएक्ट करेगा HCl से। तो क्या बनेगा? KCl MnCl2 प्लस H2O एंड प्लस क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन गैस। अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे यहां पे देखना होगा। सबसे पहले देखिए यहां पे कितने नंबर ऑक्सीजन है? 4। यहां 4 लगा दीजिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस कीजिए? वाटर मॉलिक्यूल से। अब बैलेंस किए यहां पर कितना हो गया हाइड्रोजन? 2 4 4 8। तो यहां पर 8 लगा दीजिए। अब क्लोरीन कितना हो गया? 8। तो 8 करना होगा, तो यहां पे आपको मैं 2 लगाता हूं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 4 है, बैलेंस है KCl MnCl2। यहां पर मैं लगाता हूं 2। अगर मैं 2 लगाता हूं यहां पे, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 नहीं होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 8 का निकाल देता हूँ, 16। तो हो जाएगा बैलेंस, 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 MnCl। ये यहाँ पे मैं कर दूंगा 5Cl2 5 10 10 4 14 2 16। ये बैलेंस हो गया। एक और देख लीजिए रिएक्शन, एक और ऑक्सीजन एजेंट है K2Cr2O7। ये क्या कैसे करेगा? HCl से सेम कीजिए KCl। अब वो क्या बनेगा? CrCl3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन गैस। अब यहां बैलेंस कीजिए, 2 लगा दीजिए, यहां 2 लगा दीजिए, मॉलिक्यूल 7 है 7 गुना 7 14। तो 7 मॉलिक्यूल 14, यहां पे क्या बनेगा? 14। तो देख लीजिए 2 6 8 8। अब मैं कहती आपको 6 या 3 लगा दीजिए, क्वेश्चन बैलेंस हो गया, 6 6 14। यस, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब HCl किसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो क्या देगा? क्लोरीन गैस, क्योंकि HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ये क्या बन जा रहा है? क्लोरीन गैस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तब। अब नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, जिया जिया, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपका HNO3 ये भी पढ़ना है आगे के पार्ट, आगे चैप्टर में नाइट्रिक एसिड को किससे क्या करेंगे? HCl से। लेकिन इसमें अंतर होता है, ये 1 पार्ट और ये कितना होती है? 3 पार्ट। आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और आपको मिलेगा यहां पे Cl है, यहां पे बन जाएगा आपका NOCl H2O और नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलेगा? नेसेंट क्लोरीन। बैलेंस कर लीजिए,
कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, दो चार दो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन कितना है तीन, तीन कर लीजिए, बैलेंस हो गया। इसे करते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये है आपका नेसेंट क्लोरीन, और यही नेसेंट क्लोरीन के कारण ये जो एक्वा रेजिया दोनों का मिक्सचर है 1:3 में नोबल मेटल को भी क्या करता है उसमें खुला रहता है, क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन उससे कंबाइन कर जाता है और वो कंपाउंड बना देता है। जैसे कि मैं एक ले रहा हूं नोबल मेटल, मैं आपको लेता हूं मैं गोल्ड, AU रिएक्ट विद नेसेंट क्लोरीन, किसने करता है नेसेंट क्लोरीन से, तो बन जाएगा AuCl3। बैलेंस को लीजिए, तीन लगा लीजिए, इसका नाम क्या है ऑरियम 3 क्लोराइड, क्योंकि इस पर तीन चार्ज हो गए प्लस 3, और इस पर क्या होगा -1, नाम क्या होगा गोल्ड लिखिए या ऑरियम 3 क्लोराइड। सेम अगर मैं लिखूंगा प्लैटिनम रिएक्ट विद क्लोरीन, ये क्लोरीन कहां से आया, एक्वा रेजिया से, और ये क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा है नोबल मेटल से, और क्या बन जाएगा प्लैटिनम Cl4, तो क्या हो जाएगा प्लैटिनम 4 क्लोराइड, इसका मैं नाम लिखता हूं प्लैटिनम 4 क्लोराइड, और यही कंपाउंड बनने के कारण नोबल मेटल भी एक्वा रेजिया में घुल जाते हैं, और इसी को कहते हैं रॉयल वाटर। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एसिडिक है तो लिटमस को चेंज करेगा, ब्लू टू रेड कर देगा। अब इसके बारे में एक और टॉपिक आती है टेस्ट ऑफ HCl, तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, पहला हम लोग कर चुके हैं फ्यूम टेस्ट, जब HCl किसे क्या करेगा NH3 से क्या बनेगा NH4Cl, वाइट फ्यूम बनेगा, और आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट। सो ये था इसका टेस्ट। अब यूजेस, इसका यूज कहां कहां करते हैं, पेंट में, डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, और बहुत सारे केमिकल्स में लैबोरेटरी में इसका यूज होता है। तो ये था यूज, और कुछ यूज आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का हाइड्रोजन क्लोराइड का पार्ट 2, जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं ट्राई करूंगा कि इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम डाल दूंगा, लेकिन होगा जरूर। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो इनबॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा।